एक बार फिर देखने को मिला पुलिस का राजतंत्र। घटना सिविल लाइन कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद पुलिस की तानाशाही देखने को मिली, जहां पुलिस सिविल लाइन स्थित ऐतिहासिक खादी ग्राम उद्योग भवन को अवैध तरीके से तोड़ने का प्रयास करती नजर आई। इसके साथ ही सूचना मिलने पर विधायक अमिताभ वाजपेयी वहां पहुंचे। पुलिस की तानाशाही देख विधायक अमिताभ वाजपेयी धरने पर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। ये मुझे सूचना आई कि मेरे क्षेत्र में कुछ गरीब लोग रहते हैं, 15/2 तो माइसेस है उसमें, और चूँकि मैं इन गरीब लोग पहले से जानता था, कई बार कोरोना में हम लोगों ने मदद करी इनकी, पुलिस इनको गुंडागर्दी से खाली करा रही थी। जब हमने पूछा कोई कागज है क्या, तो लोगों ने बताया कि मेरे पास सिविल कोड का स्टे है, जबकि पुलिस कह रही है कि मेरे पास ADM कोड का ऑर्डर है खाली कराने का, और वो लोग कह रहे सिविल कोड का स्टे है। तो हम देखने जब मौके पर आए तो हमने पाया कि यहाँ गांधी जी का स्वराज खादी ग्राम उद्योग जो हुआ करता था, गांधी जी की लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसको पुलिस तोड़वा रही है, जबकि तोड़वाने कोई ऑर्डर नहीं है। और आज कागज भी क्लियर नहीं है, अभी ADM सिटी का ऑर्डर है, आगे कोर्ट है, सिविल कोर्ट का स्टे है 17 मई तक का, ये स्टे है सिविल कोर्ट का, लेकिन पुलिस किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को माने बगैर गुंडागर्दी से प्राइवेट गुंडों के बल्कि तो खाली करा रही थी। जब से हमने पूछा है पुलिस से, कागज दिखाई, तब से पुलिस यहाँ से गायब हो गई, कोई अधिकारी बात करने वाला है नहीं, चूंकि कोतवाली पुलिस का ये ढर्रा है। एक और स्टे है ये हाईकोर्ट का, इसमें भी 4 दिन पहले पुलिस गई थी जबस्ती गुंडई से खाली करा, और जब कहा गया तो पुलिस ने वहाँ भी यही कहा कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। तो ये पुलिस इस समय गुंडागर्दी करके ठेका लेके गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है और पूंजीपतियों के सहारे में काम कर रही है।